अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा कमजोर है और हैव यू एवर लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू कुड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और इफ यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर वर्ड एट अ राइट टाइम. सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? आई एम गोइंग टू टेल यू द थ्री रीजन. इट हेल्प्स यू टू बूस्ट योर इंग्लिश, टू एनहांस योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल. तो आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा ये जो तीन चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं. जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम अपने दिमाग पे काम नहीं करते हैं, तो आपको रोज सुबह पहली चीज ध्यान से समझिएगा कि आपको रोज सुबह 5 बजे उठना है, 6 बादाम भिगो के उसको छील के अच्छे से चबा के आधे कप दूध के साथ आपको खाना है. सेकेंड थिंग, आपको सिर्फ 10 मिनट इंग्लिश को देना है. आपको अपनी कोई भी किताब खोल लेनी है और उसमें पूरा वाक्य पढ़ना है और वाक्य के एंड में क्या आ रहा है आपको बस वो पकड़ लेना है. जैसे कभी वाक्य के अंत में था, थे, थी आ जाएगा, कभी सकता है आ जाएगा. इन सबके एक वोकैबुलरी तैयार करनी है और लास्ट में जो जो सेंटेंस आए हैं उसका इंग्लिश में आपको अनुवाद कर लेना है. जैसे सकता है आया तो कैन कुड आएगा, चाहिए आया तो शुड आएगा, था, थे, थी आएगा तो वज एंड वर आएगा. ऐसे आपको लिस्ट बना देनी है, ज्यादा ज्यादा आपको डेली के 10 मिनट देने और आप इसमें फिर परफेक्शन ले आएंगे. और जो तीसरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाओगे, और वो क्या है, आपको पूरा हिंदी का सेंटेंस बनाना है और उसको पीछे से ट्रांसलेशन शुरू करना है. आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कैसे. देखिए, आपको सबसे पहला जो वर्ड है इसको उठा के लास्ट में लाना है और उसके बाद ट्रांसलेशन करनी है. जैसे मैंने मैं उठा के लास्ट में लिया है, अब ट्रांसलेशन करते हैं. देखो मैं को हम बोलते हैं आई, देखो यहां पे आई लिख दिया मैंने. गा, गा को हम बोलते हैं विल, देखिए यहां पे विल लगा दिया मैंने. जाने को हम बोलेंगे गो, यहां पे विल लगा दिया गो. मसूरी, 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 मैंने यहां पे मसूरी लिख दिया. के साथ को हम बोलते हैं विद, यहां पे देखिए विद लिख दिया. और अपने भाई के साथ तो मैं कैसे बोलूंगा, माय ब्रदर, बी आर ओ टी एच आर, माय ब्रदर. और कहां, 6 बजे, मतलब 6 बजे जाऊंगा तो एट 6 AM लगा दिया, ठीक है ना. और कब जाऊंगा, मंडे को जाऊंगा तो ऑन मंडे, MONDAY मंडे. कब, अगले महीने, तो अगले महीने को हम बोलते हैं नेक्स्ट मंथ. देखो आपको पूरा आ गया ट्रांसलेशन, पूरा आपने बना लिया. अगर इन वाहियात चीजों से आपको अंग्रेजी आनी होती तो अभी तक आ जाती. जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे. आपको ऐसी वाहियात बातें क्यों पसंद आती हैं? बिकॉज यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश विदाउट एफर्ट. आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं, अगर आपने ऐसी बातों पे ध्यान दिया, वाक्य के अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में था, थे, थी, सेंटेंस को पीछे से ट्रांसलेट करते हैं आगे की तरफ और आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे, तो आप जिंदगी में कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे. आप सिर्फ अंग्रेजी एक ही चीज से बोल सकते हो, अगर आप अपने दिन के 1 से 1.5 घंटा अंग्रेजी में देने को तैयार हो, मतलब अंग्रेजी को देने को तैयार हो, तो आप अंग्रेजी बोल पाओगे. और आपको ट्रांसलेशन बेसिस अंग्रेजी नहीं सीखनी, आपको सेंसिबल बेसिस अंग्रेजी सीखनी है. अब मैं सेंस आपको बताने की कोशिश करता हूं. सेंस क्या होता है? देखो अभी तक आपने पढ़ा होगा शुड का मतलब चाहिए होता है. अब देखो सेंस में आपका डेवलप करवाने की कोशिश करता हूं इस समय. देखिए जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं मुझे कार चाहिए, अब देखो यहां पे क्या शुड लगा सकते हो आप? नहीं लगा सकते हो. यहां पे आप क्या लगाओगे? आई वॉन्ट अ कार. बट अगर मेरी अचानक मम्मी की तबीयत खराब हो गई और मेरे पे कार नहीं है, मैं अपने दोस्त को फोन कर रहा हूं, बोल रहा हूं यार भाई जल्दी आ जा, मुझे कार की जरूरत है, मुझे जल्दी कार चाहिए, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? आई नीड अ कार. अब जैसे ही मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आपको कार चलानी सीख लेनी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? यू शुड लर्न ड्राइविंग कार. अब देखो इन तीनों में सेंटेंस सेम आया था चाहिए, अगर आप ट्रांसलेट करते तो फंस जाते. बट सेंसेबल अगर आप इंग्लिश सीखोगे तो तब आपको पता चलेगा कि शुड का मतलब चाहिए नहीं, शुड का मतलब होता है एडवाइस. ये होता है सेंसेबल इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सेंसेबल तरीके से. वॉन्ट का मतलब होता है इच्छा और नीड का मतलब होता है जरूरत. ऐसे तरीके से आप अगर इंग्लिश सीखेंगे तो जाके आप आगे बढ़ पाएंगे. और YouTube में इकलौता मैं एक ऐसा टीचर हूं जो यहां से बिल्कुल यहां से यहां तक पहुंचा है. मैं आपको अपनी स्क्रीन पे मैं अपना 10th का रिजल्ट दिखा रहा हूं. आप देखिएगा इसमें मेरे कितने नंबर है, सिर्फ 40 या 38 के नंबर के करीब रहे होंगे मेरे नंबर. तो मैंने ये वाली जिंदगी जी है, ये फेल होते होते बचाऊं, फिर मैं सीखा, गिरा, उठा. तो यहां से एक बच्चे को कहां तक, यहां तक कैसे ले जाना है, ये ट्रिक तो मैं ही आपको बता सकता हूं. अब आप एक विकास दिव्यकृति सर की छोटी एक क्लिप देखिएगा, उसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं. मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत खराब स्टूडेंट रहा हूं. तो जब आप सबसे आखिरी बेंच पर बैठते हैं स्टूडेंट लाइफ में,
सारी शरारतें करते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेकर, और फिर जब आपको पढ़ने का शौक हो जाता है तो पढ़ाते समय मुझे ये अपने आप समझ में आता है कि सबसे पीछे बैठा बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैं उस फेज को लंबे समय तक जी चुका हूँ। मैं अपने आप को विकास देवी करते सर से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरी अपनी जिंदगी में अगर उनके 20वें हिस्से तक भी पहुंच गया तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। बट मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि मैंने ये तली देखी है, जमीन देखी है, मैं गिरा हूँ, फिर मैं हम यहां तक पहुंचे हैं, और राइट नाउ हमारी पूरी टीम पूरे प्रदेश में 4 एजुकेशनल सेंटर को ऑपरेट कर रही है। आप सोच रहे हो यहां से यहां पहुंचने का सफर अगर आपको भी तय करना है तो वो मैं आपको अपने ट्रिक्स और मनोवैज्ञानिक तरीके से जो मैंने कोर्स डिजाइन किया है वो मैं आपको बता देता हूं कि मनोवैज्ञानिक तरीके से नई नई ट्रिक्स के सहारे से आप 1 से 1.5 महीने में कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे। जैसे TTW, PLTT, TCC, WDZ ये नए नए मनोवैज्ञानिक तरीके हैं जिनसे आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। इस वाले कोर्स में जो मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से आपको बिल्कुल आगे तक, बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया गया है। छोटे छोटे वोकैबुलरी, बड़ी बड़ी वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी से सेंटेंस कैसे बनाने हैं, सेंटेंस से आप पैराग्राफ कैसे बना पाओगे, पैराग्राफ से स्टोरी कैसे बनाओगे, और ग्रामर के इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स को कैसे हमने स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया इतने इजी तरीके से कि आप बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लेंगे वो टेक्निक्स, और आप इंग्लिश बहुत बेहतरीन ढंग से बोल पाएंगे। और इस कोर्स का जो दाम है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए है, पर शुरुआत के 299 लोगों को 299 रुपए में यह हम कोर्स दे रहे हैं, लॉन्चिंग ऑफर इसे हमने कहा है। तो आप जितना जल्दी इस कोर्स को ले लेंगे तो आपको 299 रुपए में ही ये कोर्स मिल पाएगा। तो हम अब अपने ऐप में या कोर्स में आपसे मुलाकात करेंगे, नीचे सारे लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए हैं जहां से आप डायरेक्ट कोर्स खरीद सकते हो और हमारे ऐप पे भी जा सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।